अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अमानुल्ला और हम यहाँ पर जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि अगेन हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। जो इसे हमने प्रीवियस जो है वो प्रेजेंटेशंस में हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। और यहाँ पर जो हम फिर इनवर्स मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं करेंगे बट एक डिटरमिनेंट के थ्रू भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके अलावा भी आगे आप जो है ना एडवांस स्टडी में पढ़ेंगे कि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये जो बेसिक जो आइडियाज हैं वो बेसिकली जनरेट यहाँ से हुए थे। सो क्रेमर्स रूल जो है ही वाज अ बेसिकली मैथमेटिशियन और इसने जो है ना ये 1704 टू 1752 के दरमियान जो है ना ये रूल जो है हमें बताया था कि हाउ टू डील सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वही कहा जा रहा है कि क्रेमर्स रूल जो है वो सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और ओवरऑल जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के थ्रू जो है इसको हम देखेंगे, ना के बेसिकली इनवर्स मैट्रिक्स के थ्रू। अगेन अगर आप जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था कि आपको एक सिस्टम होगा, ठीक है, उस सिस्टम से आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे लाइक दिस वन। एक दूसरा हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स भी होगा और तीसरा जो हमारे पास वो कांस्टेंट मैट्रिक्स भी होगा जिसको अगेन ए एक्स इज इक्वल टू बी जैसा कोई फॉर्म बनेगा। मगर हम क्या करेंगे, हम उस ओवरऑल क्योंकि मैंने कहा कि डिटरमिनेंट के थ्रू जो है वो उस मैट्रिक्स को कैलकुलेट वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाएगा। सो सबसे पहले जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका कोई इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि नो सोल्यूशन है। और अगर डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे और कैसे और चीजें कैलकुलेट करेंगे उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट बेसिकली ईच वेरिएबल। से सपोज वी हैव द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सो नाउ फॉर द एक्स वी विल राइट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं है, ये फिर मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं। डिवाइड और डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिवाइड करेंगे सिर्फ ए के साथ, मगर ये जो डिटरमिनेंट है ये हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन है एक कांस्टेंट मैट्रिक्स का और एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। ये कैसे होगा उसके लिए मैं फर्दर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जैसे एक्स के लिए था सिमिलरली ये वाई के लिए वैल्यूज आ जाएंगी। या फिर हम अगर मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट आपको बता दूं कि देखो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जब आप एक्स कैलकुलेट करना है, ये एक्स ये है ना, तो एक्स का कॉलम कैंसिल करके, ठीक है, ये दोनों ए और सी एक्स के कोफिशिएंट जो है ना निकाल के वहां पर आपने रखना है जी कांस्टेंट मैट्रिक्स को ई एफ। जैसे देखो ई एफ लिखा गया है और बी और डी ये सेम लिखा गया है लाइक दिस वन। अगर वाई को आपने कैलकुलेट करना है तो देखो वाई के जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनकी पोजीशन वाइज करनी है। ये पोजीशन उसकी सेकंड पोजीशन पे थी बी डी, तो बी डी की जगह पे आपने क्या रखना है, उसके कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रखने हैं। सो दिस इज ओवरऑल वे, वी मैं फर्दर बताऊंगा आपको, मगर ये ओवरऑल शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, टू कैलकुलेट बेसिकली वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई प्रोवाइडेड दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। अच्छा, तो ये तो डिटरमिनेंट है और आपको पता है कि डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ई डी माइनस बी एफ करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ए एफ माइनस ई सी कर देंगे, तो आपके पास इन दोनों के डिटरमिनेंट्स भी आ जाएंगे। देन डिटरमिनेंट्स को इस डिटरमिनेंट के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स और वाई की। ये ओवरऑल की पॉइंट्स है जो अभी मैंने बताई। द डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एक्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड वाई इन द सेकंड कॉलम। तो जरूरी है कि एक्स वाई हो, पी क्यू जो भी आएगा आपने उसको एप्रोप्रिएट लिख के फिर आपने उसको करना है। द न्यूमरेटर इज द सेम एज द डिनोमिनेटर विद द कांस्टेंट रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच यू आर सॉल्विंग। जैसे मैंने बताया प्रीवियसली के आपने जो है ना वो कोफिशिएंट कौन से जो है उनको आप सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सिस्टम, तो
तो अब सबसे पहले आपने देखना ये है कि मैट्रिक्स ए क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, 8, 5, 2 एंड -4। कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 2 एंड -10 आएगा, और इसका डिटरमिनेंट जो है वो आपका है -42, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। अब हमें करना क्या था, बड़ा सिंपल था, एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स के कोफिशियंट्स को हटा के कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशियंट्स रख दिए, ठीक है, और ये एज इट इज रखे रखे, और इनका आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, उसको इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वाई की वैल्यूज कैसे आएंगी, अब हमारे पास वाई के कोफिशियंट्स को रिप्लेस करके वहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशियंट रखने हैं, जैसे ये लिख दिए मैंने, और ये वही है जो कि एक्स के कोफिशियंट से, फिर इनको इनके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगी, लाइक दिस वन। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है -1 है एक्स की, और ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो 2 है। देखो ये इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया हुआ है, इसको डिवाइड करके आंसर दे दिया। सो एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है बाबा। फिर से उसको मैं जो है वो जनरलाइज वे में बताना चाह रहा था। देखें ये जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा ए बी सी डी, उसका ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब एक्स के लिए, इस एक्स के लिए इस ए सी को रिप्लेस करके वहां पर ई और एफ रखना, मतलब कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हटा के वहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स रखने। देखो ये ई एफ रखा गया और ये बी एंड डी ये सेम पड़े हुए। अगर वाई के लिए करना है, ये देखो डिटरमिनेंट ऑफ द वाई, वाई फॉर द वाई जो कि इक्वल होगा ये ए सी एज इट इज। अब क्योंकि वाई के कोफिशिएंट्स को हटाना है, वाई के कोफिशिएंट्स को हटा दिया हमने, ठीक है, और वहां पर सो वाई के कोफिशिएंट्स को हटा के वहां पर हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स रखे हैं जो कि ई एफ है। उसके बाद क्या करना था, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि एक्स इज इक्वल टू ये जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिटरमिनेंट जो कि ये है डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सिमिलरली वाई इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू वाई डिटरमिनेंट एंड डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगेन कीप इन माइंड इफ डी इज जीरो देन ओवरऑल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, से सपोज वी हैव दिस सिस्टम, फर्स्ट वी हैव डी 2, 3, -3, 5 लाइक दिस वन, एंड डिटरमिनेंट ऑफ द बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लाइक 19 व्हिच इज नॉन जीरो। अब हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए था, डी एक्स या मैं लिख देता हूँ, बाद में एक्स कैलकुलेट कर देता हूँ। सो डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के कोफिशिएंट्स को हटा के यहाँ पर ये रखने थे, ये रख दिए, और ये एज इट इज पड़े हुए हैं देखें, और इनका हमने कैलकुलेट किया हुआ है जी डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के बाद हमारा आंसर आया -38। सिमिलरली फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ द वाई, सो वाई के कोफिशिएंट्स को हटा के वहां पर अगेन कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स रखें, कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रखें लाइक -16 एंड 14, फिर इनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आया हुआ है 78। सो अब हमारे पास ये डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आ गया, डी विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी आ गया। अब यहाँ पर पुट करना है, सो एक्स इक्वल होगा -38/19 और वाई इक्वल होगा 76/19, और इनको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी -2 एंड 4। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज -2 एंड 4। जैसे ये 2/2 के लिए था, सिमिलरली हम इसको 3/3 के लिए भी करेंगे। सो फॉर द 3/3 यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, फिर से मैंने इसको लिखा हुआ है यहां पर, इफ वी हैव से सपोज मैट्रिक्स दिस वन देन डिटरमिनेंट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है। इसको फर्दर मैं ज्यादा नहीं डिटरमिनेंट पे बात करना चाह रहा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ओके नाउ से सपोज वी हैव द सिस्टम लाइक दिस वन, फर्स्ट वी विल राइट इट्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकंड वेरिएबल मैट्रिक्स एंड थर्ड इट्स कांस्टेंट मैट्रिक्स। वही जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है ना देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, x1, x2, x3, तो कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x1, डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x3, जो भी आएगा उसको फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास उसके आउटपुट्स आ जाएंगे जो कि वैल्यूज आ जाएंगी x1, x2 एंड x3 की, लाइक दिस वन, जो सी हमने जो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सो इसको आप फर्दर जो है आप सॉल्व करने के लिए ये पैटर्न बताया गया है, इस पैटर्न को फिर से समझें। अब ये हमारे पास से सपोज कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक
है। अब हमें X1 चाहिए, तो X1 का क्या मतलब है कि इस कॉलम को हटा के वहां पर ये कॉलम रखना है, वेरी सिंपल। X2 चाहिए, तो X2 के कोवियंट्स को हटा के यहाँ पर ये कॉलम जो है ना पुट करना है। सिमिलरली X3 चाहिए, तो X3 का ये कॉलम हटा के वहां पर ये जो है ओवरऑल, यही ओवरऑल जो थ्योरी है इसके बिहाइंड क्रेमर रूल्स के बिहाइंड। देखो ये मैंने वही लिखा हुआ है, ये डी मैट्रिक्स था, D1 आ जाएगा तो ये कैंसिल कर दिए, वहां पर कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रखा। D2 के लिए सेकंड कॉलम को कैंसिल करके वहां पर कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रखा। थर्ड में थर्ड कॉलम कैंसिल करके वहां पर ये हमने कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को रखा, और ये ही ओवरऑल जो है वे है द सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके नाउ से सपोज वी हैव सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। अगेन इफ आई से व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देन योर आंसर वुड बी 2, -4, -5 लाइक दिस वन, -3, -5, -7, सिमिलरली 5, 3 एंड -8। और अगर आपसे कहोगे कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगा 36, 7 एंड -31। सो अब इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, X1, X2, X3 और ये कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स रखा जो कि इक्वल, ये डायरेक्टली मैंने लिखा है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नाउ फॉर द D1, अब D1 में इस कॉलम को हटा के यहाँ पर क्या रखना है आपने, ये कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम रखना है। देखो ये रखा है हमने 36, 7 एंड -31, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज पड़े हुए हैं। फिर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया गया है जो कि -6 एंड 72 है, ठीक है। सिमिलरली ये D1 था, अगर D2 को सॉल्व करेंगे तो D2 में क्या आ जाएगा कि आपका ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, उस पे ये कॉलम आ जाएगा लाइक दिस वन। D2 ये सेकंड कॉलम में कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम रख दिया, D3 में भी थर्ड कॉलम में कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम रख दिया, इनको सॉल्व कर दिया, ये आउटपुट आ गए X1 बिकॉज इज D1 डिवाइड बाई D, X2 इज D2 डिवाइड बाई D, X3 इज D3 डिवाइड बाई D, इनको डिवाइड कर दिया, ये आउटपुट्स आ गए 2, -3 एंड 4। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है इसका 2, X1 इज -2, X2 इज -3 एंड X3 इज 4। ये इसको किसी और अंदाज से अगर लिखना चाहें, वहां पर X1, X2, X3 था, यहाँ पर मैंने XYZ के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसके कोफिशियंट्स A1, B1 लिखा हुआ है और C1, और ये कांस्टेंट C1, इसको अभी वही पैटर्न अगर मैं बनाऊं, अगर आपको ये आसान लगे तो आप इसको आपने जो है ना कंसिडर करना है, X के कोफिशियंट्स कैंसिल करके कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशियंट्स रखे, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स रखा हुआ है। वाई देखो वाई के कोफिशिएंट्स हटा के वहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स रखे और बाकी एज इट इज। जेड के लिए थर्ड कॉलम जो है जेड के कोफिशिएंट्स हटा के वहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स के कोफिशिएंट रख दिए हैं और उसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये ओवरऑल जो है सॉल्व करने का वे था, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये मैंने डायरेक्टली किया हुआ है, तो देखो एक्स के कोफिशिएंट्स क्या थे, 3, 1, 1, इसको हटा के 9, -5, -2 रख दिया, बाकी जो है देखो ये -2 पड़ा हुआ है, इसका 1 पड़ा हुआ है, ये 2 y का जो कोफिशिएंट है और z का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट -4 है, और बाकी इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा =1। ये x था, सिमिलरली y भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। देखो y का सेकंड कॉलम ये -2, 2, 1 कैंसिल करके वहां पर 9, -5 और -2 रख दिया और उसको सॉल्व कर दिया। सिमिलरली z के लिए भी ऐसा ही है, जो कि z की वैल्यू 0 आ रही है, आ सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि X1 = 1, X = 1, Y = -3 एंड Z = 0। तो ये ओवरऑल जो है वो क्रेमर रूल था। ओके, इसको भी ऐसे समझेंगे, इसका कंक्लूजन जो वो ये है कि नॉट नॉट ऑल सिस्टम हैव अ डेफिनेट सॉल्यूशन, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0, अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड यूजिंग क्रेमर रूल बिकॉज ऑफ डिवीजन बाय 0। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, तब आएगा जब उसका जो है डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। तो
तो बाकी चीजें भी आप इसकी देख लेना, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप फीडबैक जो है आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आपको ईमेल भी गिवन है, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है आई गेस, तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो